शासक शिक्षिका ने छात्र से छात्र को पिटवाया, सिर में आए टाके इलाज कराने पर बोलने पर छात्र की मां के साथ भी की मारपीट, फोना मोबाइल एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर माधव नगर कॉलोनी में रहने वाली महिला उमा रावत पत्नी माता दीन जाटव ने बताया कि उसका बेटा शिव रावत उम्र 15 वर्ष, शासकीय माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर में कक्षा 8वीं का छात्र है। बीते रोज पूर्व स्कूल में पद शिक्षिका रीना बैरा के द्वारा शिव के साथ पढ़ने वाले छात्र प्रशांत को पानी पिलाने की बोलकर उसके साथ भेज दिया। यहाँ प्रशांत ने उसके बेटे शिव में पत्थर मार दिया जिसे उसके सिर में टाके आए हैं। वहीं महिला को शिक्षिका रानी बैरागी पर शक है कि उन्होंने ही शिव के साथ मारपीट कराई है। जब वह बेटे का इलाज कराने की कहने शिक्षिका के पास गई तो शिक्षिका द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट करते हुए मोबाइल फोड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने कोतवाली थाने में की है। पर सुनवाई न होने के चलते आज फिर शनिवार को एसपी से शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है तुम्हारा? उमा रावत। कहाँ की हैं आप? फतेहपुर माधव नगर कॉलोनी। आज बच्चे के साथ एसपी ऑफिस आई हैं, आप किस समस्या को लेकर आई हैं? इस समस्या के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरे बच्चे को मैडम ने पिटवाया और ठाके आए बच्चे के मेरे के। क्या नाम है मैडम का? मैडम का रीना मैडम। कौन से स्कूल में पढ़ता है बच्चा? बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है पर बच्चे स्कूल का नाम मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, कौन सी कक्षा का है? 8वीं कक्षे का। अच्छा, कौन से पिटवाया है? ये बच्चा उम्र में बढ़ता है पर राय से छोटा है। उस बच्चे ने क्या है, मैडम ने बोला पानी पिला ला उसका, ये तुझे पानी पिलाने का है तो मैडम बोले इसे पकड़ लाओ, तुझे पकड़ के लेके आओ तो मैडम ने कही उसमें पथरा लगा, उसमें पथरा दे दिया। क्यों दिलवाया मैडम ने? अब क्या मालूम, मैडम जो कह रही थी, मैं गई थी परसों के दिन कहने के लिए मैडम आप मेरे बच्चे को इलाज कराओ कि आप मेरे बच्चे को इलाज कराओ, नहीं देखो सूजन आ रही, चक्कर आ रहे हैं। तो मैडम ने मुझसे हाथापाई करी और मैंने 10,000 का मोबाइल फूट गया। मुझसे कही तेरे बच्चे को जान से मरवा के फिरवा दूंगी और बच्चों को दर्द को स्कूल से निकाल दूंगी। कहाँ पे हुई थी ये बातचीत? जी बातचीत बाहर हुई थी, स्कूल के बाहर। हाँ बातचीत। तो आप थाने पे नहीं गए? थाने पे गई थी, मैंने जो थाने पे लिखवाया थाने वाले ने, पुलिस वाले ने जो मैंने किया पुलिस वाले ने लिखा नहीं था। तो बच्चे से क्या कोई रंजिश वगैरह आ गया क्या है? क्या मालूम बच्चे से रंजिश वगैरह आ गया, हम तो आपके मैडम को बड़े छोड़ देते हैं। अब मैडम क्या मालूम देखती है, लापरवाही है मैडम की, बिल्कुल क्लियर लापरवाही है मैडम की, साचा लापरवाही है मैडम की। मैडम देखती नहीं बच्चों को बिल्कुल भी, क्या कर रहे बच्चों, क्या क्या नहीं कर रहे बच्चों, देखना तो चाहिए मैडम को। हाँ मैडम से बोला था, मैडम बोली आप इलाज करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगा। मैंने कही तो मुझे मारने की धमकी दी, इसे कमरे में बंद करके। अपने प्रिंसिपल सर से ऐसा नहीं बोला कि क्यों? मैं हाँ मैंने बोला था, तो जो कह रही थी मैं तेरे बच्चों को मार के पिटवा दूंगी, धमकी दे रही। हाँ मुझे धमकी, तुम रपट करने जाओगी तो तुम्हारे तुम रपट करने जाओगी तो तुम्हारे बच्चों को मार के पिटवा दूंगी। क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। आज मेरे बच्चे के साथ घटना हुई, कल दूसरे बच्चे के साथ होगी, तीसरे बच्चे के साथ होगी, मुझे इंसान मिलना चाहिए ना सर। पत्थर से मारा? पत्थर से मारा, मेरे बच्चे गहरी चोट आई है, चक्कर आ रहे हैं। उसे पिटवाया, जिसका नाम पिटवाया था उसके क्या नाम है? रीना मैडम है। बच्चे का नाम क्या है? जिससे बच्चे का मुझे मालूम नहीं है सर। कहीं से मारा है? पत्थर से मारा, जो बड़े पत्थर से बड़े। कौन से थाने में शिकायत करने गई थी आप? जी कौन से थाने? कोतवाली पे। ठीक, आपका लड़का कितने साल का हुआ? 15 साल का सर।